आपने मेरे को पहचान लिया? आप ना? तो भाई साहब हमारी तैयारी हो चुकी है चंडीगढ़ के लिए। ये हमारी पैकिंग है, बैग पैक हो चुके हैं और हमारे जो भाई साहब है वो अभी तक सो रहे हैं। इनको उठाता हूँ मैं, देखता हूँ उठते हैं नहीं उठते। हेलो हेलो भाई 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 लग गए। 6 बजे की बस है हमारी, 2 मिनट में उठता है। नानी भाई उठो, भूल गए क्या? चंडीगढ़ चंडीगढ़ सो सुबह क्या कंडक्टर बन रहे हो क्या? हाँ क्या करो भाई, बनना ही पड़ेगा। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्या टाइम हो गया भाई? 5 बज गया, 5 बजे हो गए। ओके चलो तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या आगे। सुबह सुबह कम वेदर, सुबह सुबह बहुत अच्छा है। Years for the players out there, check out this dope shit, man. फ्री हो गया हूँ अच्छे मौसम के साथ। वेदर देखो, बहुत सही वेदर हो रहा है। अच्छे वेदर के साथ, नए टूर के साथ, नई शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत। चलो शुरू करते हैं आज का टूर। वैसे मौत वाली मैं इतना जल्दी उठता नहीं है, लेकिन इतना जल्दी उठने के लिए भी मेरे को बहुत सारी हिम्मत दिखानी पड़ती है। ये हमारे कैमरे भैया, गुड मॉर्निंग भैया, ओपन करना। डिग्गी का साइज इतना बड़ा है, लेकिन उन्होंने इतना पूरा कॉम्पैक्ट किया हुआ है कि रखने की जगह नहीं है। बट फिर भी स्टिल हम कहीं ना कहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर इससे पता चल रहा है हमारा बैग बहुत ज्यादा भारी है। चलो आगे हम क्या करते हैं इनका। मैं तो पहुंच चुका अपने बस स्टैंड पे, लेकिन अभी तक हमारी बस नहीं आई है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। अगर मैं सोचा बस वाले को फोन ही कर लूं, कहीं मालूम पड़े कि मेरा सुबह सुबह सी कट गया है। हेलो, और आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ क्या। हेलो भैया, कहाँ पहुंचे अभी तक आप? मैं अपने स्टैंड में पहुंच गया हूँ, अभी तक आए नहीं आप। चलो ओके ओके ओके, अच्छा लगता है, ये इसका घर है। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे? ऐसे चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसे बहुत डेंजरस होते हैं, ये अटैक कर देते हैं, पता नहीं चलता। अभी एक गया तो 2 शेर हमारे सामने और आ रहे हैं, आप देख लो। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है, जिससे मुझे, मैं पहले जो घबरा रहा था कि लगता है मेरा सुबह सुबह सी कट गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी बस है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बस है। स्पेशली इन्होंने मेरा गारंटी लिया क्योंकि मैं कंफर्टेबल रही था, मैं ऑन द स्पॉट रास्ते में कहीं भी उतर जाऊंगा। और आप लोगों को कहीं भी नियर बाय होगा, आप लोगों से कॉल करके आप मेरे को प्लीज अरेंज करवा देना। तो मैं अपने बस जा रहा हूँ। तो फाइनली इतने ट्रेवल के बाद हम अपने होटल पहुंच गए। रूम नंबर 107। ये हमारा रूम है जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। ये हमारी गद्दी है जिसपे हमने अपना बैग रखा है। सो आई एम सो टायर्ड, बहुत थक गया हूँ। गर्मी चंडीगढ़ में इतनी है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चंडीगढ़ में इतनी गर्मी होगी, लेकिन दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। पता नहीं गर्मी हम कैसे यहाँ निकालेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं दिन में बाहर जा पाऊंगा, फिर मुझे बाहर जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो फिर चलो कोई बात नहीं, इसका भी अलग मजा है। देखते हैं फिर क्या सीन होता है अगली, बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय। अब मैं हो गया नहा धो के रेडी और अपना मैंने लगा लिया ब्लैक गूगल गूगल गूगल, चलो जो भी है ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं बाहर, अब हम चल रहे हैं चंडीगढ़ थोड़ा सा घूमने के लिए, और वेदर भी चेक करते हैं, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया। और हम जा रहे हैं अपने मेरे बेस्ट फ्रेंड चंडीगढ़ के, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है शौकी भाई से मिलने। शौकी भाई को भी सरप्राइज दे रहे हैं, जिनको हमने बताया नहीं हमारे, तो उनसे ही मिलते हैं शौकी भाई से। अपना गेट हम अपना लॉक कर लेते हैं रूम। चलो गर्मी के बारे में मत पूछो, मुझे तो लगा मौसम अच्छा हो गया होगा, लेकिन अभी भी गर्मी है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही गर्मी है। इससे अच्छा हमारे दिल्ली के अंदर ज्यादा अच्छा वेदर था। चलो एनीवे कोई बात नहीं, हर चीज में हर जगह एडजस्ट करना चाहिए। आपने मेरे को पहचान लिया? हाँ, आप यूट्यूब से हो ना?
आएंगे भैया भैया स्कूल में फोन लेके जाते हो? नहीं जा चुका है। चल बस चलो बाय बाय। सो फाइनली हम ब्रदर के स्टूडियो आ चुके हैं। आप उनको बोर्ड दिख रहा होगा उनका, तो उनको सरप्राइज दे रहे हैं। आ जाओ भाई, भाई से मिल गए सरप्राइज दिया। वेलकम भाई, वेलकम, बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है भाई? तो ये हमारा भाई का चंडीगढ़ का स्टूडियो है, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, मेरे फेवरेट सबसे खास दोस्त चंडीगढ़ के वही है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैंने मेरा भाई का सरप्राइज देते हैं, हम लोग चंडीगढ़ में वेलकम होता है हमेशा, और हमेशा कोई कमी नहीं है। चंडीगढ़ में आ गया तो मतलब कुछ बोले ना बोले भाई का सिक्का बोलेगा। तो अभी कैसा, अभी मार्केट का क्या लग रहा है, जो नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उन लोगों के बारे में? अभी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ये नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छे आर्टिस्ट के पास सीख के आ रहे हैं, उनको नॉलेज है इस चीज की, जैसे वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब नए नए आर्टिस्ट जो 20-22 साल की उम्र के हैं, वो ज्यादा टैटू पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए है, उनको ये चाहिए कि मुझे आर्टिस्ट बन रहा हूँ तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब आर्ट में आप टैटू इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर भी मतलब एक अच्छे लेवल पे है। अरे हाँ, ये देखना इसकी अभी आने वाले टाइम में कि मतलब ये देखो एजुकेशन में भी पहुंचेगी आने वाले टाइम में। आर्ट, ये आर्ट जो आएगा टैटू आर्ट, ये एजुकेशन में भी आएगा, स्कूल में, हमारे टाइम में था। अरे सच में हम, हाँ हमें पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम खुद टैटू सीखते थे, या हम पढ़ते या सीखते मेन कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था, गाइड नहीं था ना हमारे पास। घर से हम इतने अच्छे नहीं थे कि हम घर वालों को बोल सके और वो सपोर्ट कर सके। तो आपने यहीं पे मैंने डिसाइड किया पहला? हाँ यहाँ पे डिसाइड करते हैं हम, मेरे बड़े भाई भी यहीं पे आते हैं, सबसे बेस्ट टैटू हमें यहीं पे अच्छा लगता है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका फर्स्ट टैटू का, मतलब पेन वेन के बारे में कैसा है? पेन तो देखना होना ही होता है, बट टैटू ये कई लोग शौकी भाई आजकल मार्केट में उन्होंने बोल रखा है कि आजकल हम पेनलेस टैटू करते हैं। अरे ये मुझे आता नहीं समझ रहा है, पेनलेस कैसे टैटू होगा? एग्जैक्टली, कई आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में इनके पास भी आते ही होंगे, वो कहते हैं कि हम पेनलेस टैटू करते हैं, लेकिन आज तक ये समझ नहीं है कि पेनलेस होता कैसे है। मैं तो आज तक नहीं सीख पाया। आपने देखा है? आपको मैं कैसे बता सकता हूँ, आपको अब क्लाइंट पूछ रहा है भैया पेन कितना होता है, मैं कैसे बताऊँ? हम किसी का एक आंसू नहीं ले सकते, हम पेन कैसे, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है पेन कहने की। आपको पेन कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को नहीं होता है। अरे कई क्लाइंट आते हैं यहाँ पे टैटू बनाते हैं, सो जाते हैं, चिल चिल वो सो जाते हैं, और कई क्लाइंट सो जाते हैं। हाँ बन गया भाई, बन गया, उनको पता ही नहीं लगता। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैं रो जाता है, मतलब नहीं, वो गेम खत्म करेगा, बोलेगा गेम ओवर, आर्टिस्ट मरने नहीं देगा, बस उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है। हां तो कैसा आपका भी, कैसा एक्सपीरियंस दिखाना ब्रो, आपका टैटू क्या है? ये लॉयन, कितना पुराना टैटू है आपका? ये दो सिटिंग में बना था, ये डेढ़ से दो साल का हील है, ये जो आप देख रहे हो अभी बिल्कुल फ्रेश जैसा ही है, बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा आपको पहले, अच्छे कमेंट, ये चेक करो यार, ये कवर अप है। हाँ, वो ये कवर अप है, कवर अप के लिए मैं कवर अप के लिए मैं एक बात बताऊंगा, अगर मैं आप लोगों को ये नहीं बताता कि ये कवर अप है तो आप में से कोई भी नहीं बता सकता था कवर अप है। चलो ठीक है, जो जो ये टैटू देख रहा है एक बार फिर से, अगर आपको पता चल जाए ये कवर अप क्या है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और आप जिस सिटी में भी हो आप मेरे साइड से वो टैटू फ्री करवा दूंगा, अगर जिसने बता दिया ये कवर अप के अटले हुआ है, आई प्रॉमिस। क्या कर रहे हो भाई साहब आप? भाई ये गेम, ये जो परेशानी है ना, मेरी दिक्कत में हो रही है, सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा मेरे से। क्या आप इसको कर सकते हो पूरा? भाई कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं आप कर लोगे? मैं तो कभी जिंदगी में देखा है, मैं तो फर्स्ट टाइम। आप बड़ा गौर से देख रहे हो, आप कर लोगे? हाँ हाँ कर दूंगा, इजी है मेरे लिए। ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे? हाँ चलो ठीक है, ओके गाइस, तो आपके सामने मैंने पूरा ही पजल कर दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया मैंने इसको, ठीक है ठीक है। भाई कह रहे हैं ये कर देंगे, कितने दिन में कर दोगे? टाइमिंग में नहीं बता पाऊंगा मैं, कर दूंगा ठीक है। अभी भी पजल कर रहा हूं आपके सामने, मैं टाइमिंग इसलिए नहीं जल्दी करता हूं क्योंकि मैं, मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता, और जब भी मैं, मुझे लगता है कि मेरा ये फ्री टाइम है तो मैं अपने कॉन्सेंट्रेट के लिए इसको मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टेक योर टाइम ठीक है, लेकिन करना है आपको। हां हां ठीक है, चलो ये ठीक है, आपके सामने सारा पजल करके दिया, दिखा दो एक बार, एक बार जरा घुमा के इन सबको, चलो
नाइस। दो मिनट लगे, पूरे 2 मिनट। सो गाइस देखो मैंने कैसे बनाया, देखो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, बन गया। हर कलर चेक कर, और विनर हमारे टाइड मोहन भाई रहे हैं, येलो सारे। क्या बात है, अगर ये गेम आपने कभी खेला है और आप कर सकते हैं ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। ये गेम नहीं खेला तो कुछ नहीं खेला। ये गेम एक्चुअली एक मैथमेटिक है, आप कोई भी काम करते हो तो वो मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है। तो फाइनली मैं अपने होटल आ गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आज जो हमारी आज की अपॉइंटमेंट थी दो डाडू की, वो हमने फिनिश कर लिया है। तो अब मैं अपने दोस्तों से मिल लिया, अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव भी आया था, आप लोगों को मालूम था। तो अब मैं फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने होटल और थोड़ा रेस्ट करूंगा, बिकॉज अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो भी मिलने आने वाले, उनको भी टाइम देना। बहुत मुश्किल से छिपा के वापस आया हूँ, तो अब रेस्ट करूंगा, उसके बाद फाइनली फिर रात का जो भी प्लान होगा रात का मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं रेस्ट करने वाला हूँ 1-1.5 घंटे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। सो बाय बाय।